नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। विजयादशमी पर फ्रांस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राफेल की शस्त्र पूजा क्या की और उससे आगे पहिए के नीचे नींबू क्या रख दी। इधर देश में कांग्रेस को मिर्ची लग गई। बीजेपी ने इसे भारतीय परंपरा और संस्कार से जोड़ा और कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला कि वो क्या जाने हिंदुस्तान की तहजीब, हिंदुस्तान की परंपरा। उधर फ्रांस के बोर्दू शहर में हिंदुस्तान की ताकत का सिरमौर बनने जा रहे राफेल लड़ाकू विमान की शस्त्र पूजा क्या हुई? बिल्कुल नए विमान पर शक्ति और शांति के स्वर ओम का उच्चारण क्या लिखा गया? विश्वास का कलावा क्या बांधा गया? परंपराओं का नारियल क्या रखा गया? और बुरी नजर से बचाने के लिए उसके पहिए के नीचे दो नींबू क्या रखे गए? के बारे में आपने पूछा कि ये तमाशा करने की आवश्यकता नहीं है भाई। ये तो राफेल, जब हम कोई गन खरीदते हैं, चाहे पहले बोफेस गन खरीदे, क्या बोलते हो मिर्ग, और अब राफेल खरीदे, कोई ऐसा वहां जाके उसको एक दिखावा करके। विजयादशमी के दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राफेल के अपग्रेडेड लड़ाकू विमानों की पहली किस्त में 4 विमानों की खरीद पक्की करने फ्रांस में थे। वहां भारत को मिलने वाली राफेल पर उन्होंने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना। विजयादशमी के दिन होने वाली ऐसी पूजा को परंपराओं और संस्कारों के हमारे शब्दकोश में शस्त्र पूजा कहते हैं। लेकिन फ्रांस में नींबू को राफेल से निचोड़ा नहीं कि इधर भारत में कांग्रेस को मिर्ची लग गई। Also, this whole religious context of Vijayadashmi and the Rafael aircraft doesn't match. It's a festival that all of us celebrate. Why do you have to link it with coming in of an aircraft and not coming in of an aircraft? This is the whole problem with this government. You dramatize and make a drama of everything. चुनावी सीजन चल रहा है। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। चुनाव में जज्बातों का सिक्का कितना उछलता है, इसको नेताओं से बेहतर कौन जानता है? अब कांग्रेस ने राफेल पर पूजा और टोटके को लेकर सवाल उठाया तो बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने इसको चुनावी मैदान में उछाल दिया। कांग्रेसी नेताओं के बयान को उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के वतन के संस्कारों से जोड़ दिया। मुझे बताओ तोसान वालों, लोहार वालों, विजयादशमी के दिन दुश्मन पर विजय के लिए शस्त्र पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ये हमारे देश की संस्कृति है या नहीं है? अभी कांग्रेस को इसमें तमाशा दिखाई पड़ता है, उसमें उनका दोष नहीं है। इनको इटाली की संस्कृति की ज्यादा मालूमत है, भारत की संस्कृति की जानकारी जरा कम है। कांग्रेस को मिर्ची लगी तो उस पर परंपराओं की नींबू बीजेपी ने निचोड़ दिया। राफेल तो हमारी सरहदों की हिफाजत करेगा, हिंदुस्तान की चुनावी शक्ति का सबसे बड़ा चेहरा बनेगा, लेकिन उस पर राजनीतिक टोना टोटका चुनावी मुद्दा बनने लगा। दिल्ली वाले बीजेपी के अध्यक्ष भी बोले, भारत अपनी संस्कृति के अनुसार चल रहा है, ये मूलतः भारत की संस्कृति के विरोधी हैं। कांग्रेस के मित्रों को मैं बताना चाहता हूं कि भारत की संस्कृति को रखते हुए हम राफेल की शक्ति को अपने सेना को दे रहे हैं। मूल समस्या ये नहीं है कि कांग्रेस के मित्र हमारे उस नींबू और ओम से परेशान है, मूल है ये राफेल आने से जो भारत की सेना शक्तिशाली हो रही है, इनको उससे परेशानी हो रही है। राफेल की खरीदारी और कीमत के सवाल पर लोकसभा चुनावों में बड़ा हंगामा मचा था। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के आरोपों से चौकीदार और चोर पर नारे दर नारे तैयार होने लगे थे, लेकिन अब उसकी पूजा पर महासमर छिड़ गया। ये सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस का झगड़ा नहीं रह गया है, बल्कि कांग्रेस के अंदर ही इस पर दो फाड़ है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाया तो महाराष्ट्र चुनाव में टिकट बंटवारे में उनसे नाराज चल रहे संजय निरुपम ने इसी बहाने उनको कटघरे में खड़ा कर दिया। तकलीफ यह है कि खड़गे जी नास्तिक है और कांग्रेस पार्टी में हर आदमी नास्तिक नहीं है, इस देश में हर आदमी नास्तिक नहीं है, लेकिन उनकी सोच तमाम जो आस्तिक लोग हैं जो पूजा पद्धति में विश्वास करते हैं उसके ऊपर थोपा नहीं जा सकता, कम से कम कांग्रेस पार्टी के ऊपर तो नहीं थोपा जाना। देश ने तो यही सोचा था कि राफेल आएगा तो दुश्मन की हर सामरिक साजिश फेल होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसी मकसद से फ्रांस गए भी, राफेल पर उड़ान भरकर अपने जवानों का हौसला बुलंद किया। राफेल के कारण
निश्चित रूप से हमारे एयरफोर्स की एक कम्बैट कैपेबिलिटी में इजाफा हुआ है, यह बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। लेकिन यदि हम अपनी कम्बैट कैपेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं तो किसी के ऊपर आक्रमण करने के लिए नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि ये हम बढ़ा रहे हैं तो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए हम बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ सियासी घमासान छिड़ा तो योग वाले बाबा भी युद्ध और योग के संगम की बात करने लगे। शस्त्र और शास्त्र इदम में ब्रह्म क्षत्रम च, और हमारे ऋषियों ने, हमारे गुरुओं ने भगवान राम कृष्ण से लेकर के आचार्य विश्वामित्र वशिष्ठ से लेकर के गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी तक हमें एक तरफ जो है शास्त्र का बोध दिया, एक तरफ शस्त्र का भी बोध दिया। अब इस देश को भीरू, कायर, कमजोर, बुजदिल बनाना है क्या? यूं तो किसी बुरी नजर से बचने के लिए नींबू और मिर्ची भी लोग एक साथ टांगते हैं, लेकिन यहाँ तो देश की रक्षा का सवाल ही सियासी आंगन में नींबू और मिर्च के बीच टंग गया। फ्रांस के विलारोश से अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि राफेल की शस्त्र पूजा के नाम पर अंधविश्वास का दिखावा क्यों, लेकिन बीजेपी के बड़े बड़े नेता कांग्रेस पर पिल पड़े। वैसे इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही नींबू मिर्ची वाले अंधविश्वास के घोर विरोधी रहे हैं, लेकिन लगता है कि उनकी पार्टी के नेता उनकी बातों को गौर से नहीं सुनते। किसी ने बता दिया कार के कलर के संबंध में, तो उन्होंने कार के ऊपर पता नहीं नींबू और मिर्ची नजारे क्या ये लोग देश को क्या प्रेरणा देंगे। ऐसी अंधश्रद्धा में जीने वाले लोग सार्वजनिक जीवन का बहुत अहित करते हैं। सारे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं इस प्रकार की मान्यताओं में कई सरकारें, कई मुख्यमंत्री फंसे पड़े हैं। दुश्मन की साजिशों को नाकाम करने के लिए राफेल हमारी वायुसेना में शामिल हो रहा है, लेकिन राफेल पर नारियल और नींबू ने देश के भीतर घमासान छेड़ दिया है। इस पर पंडितों का कहना है कि आस्था और विश्वास है ये, तो वहीं वैज्ञानिक और तर्कशास्त्री कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत कतई नहीं है। राफेल पर हिंदुस्तान की ताकत का प्रदर्शन तब दिखा जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आधे घंटे तक इस पर उड़ान भरी। इसके बाद उन्होंने जो कुछ कहा वो भारत की शक्ति को दिखा गया, लेकिन सबसे पहले राफेल की पूजा ने भारतीय परंपरा और संस्कारों की एक झलक दिखाई। बीजेपी और आरएसएस रक्षा मंत्री की इस शस्त्र पूजा से बेहद गदगद है। उन्हें राफेल के आयुधों का शस्त्र पूजन किया और यहां कांग्रेस वालों को बहुत बुरा लग गया। मैं इनको कहना चाहता हूं, तनिक रात को सोचा करो किस चीज का विरोध करते हैं, किसका नहीं करते। हमें तो उम्मीद है कि जो कांग्रेस के लीडर हैं कम से कम भारत की संस्कृति और भारत के संस्कार को तो सम्मान करेंगे, लेकिन इतना भी नहीं उनको इस बात का मालूम कि भारत की संस्कृति संस्कार क्या है। वैसे तो शस्त्र पूजा भारत की पुरानी परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि राम रावण युद्ध से पहले भगवान राम ने अपने शस्त्रों की पूजा की थी। वैसे शस्त्र पूजा को लेकर एक मान्यता ये भी है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने अपने सारे हथियार शमी के एक पेड़ पर रख दिया था। महाभारत युद्ध में पांडवों ने अपने हथियार निकाले और वो युद्ध में विजयी रहे, इसलिए दशहरे को शमी के पेड़ की भी पूजा की जाती है। धर्म कर्म के ज्ञाता मानते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ की शक्ति पूजा में अचरज और सवाल क्यों? नींबू कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको ये माना जाए कि वो अनुचित पक्ष हो गया। नजर के लिए या कोई भी नया अस्त्र शस्त्र नजर से बचे, दुर्घटना से बचे, उसकी सफलता के लिए ये स्थानीय परंपराएं भी हैं और वाम मार्ग में कहीं कहीं नींबू से कई तरह के प्रयोग या शत्रु बाधा या शत्रु हनन के लिए इसका प्रयोग होता है। लेकिन आस्था और अंधविश्वास में फर्क की रेखा बड़ी धुंधली सी होती है, इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की फ्रांस वाली शस्त्र पूजा पर सवाल सिर्फ कांग्रेस के कुछ नेता ही नहीं उठा रहे, बल्कि धर्म और विज्ञान के घालमेल का विरोध करने वाले भी राफेल की शक्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं।
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह राफेल विमान की पूजा कर रहे थे और उसके पहिए के नीचे उन्होंने नींबू रखे, तो ये सबसे अवैज्ञानिक बात है, अंधश्रद्धा का वो बढ़ावा देने वाली बात है। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ऐसे काम के खिलाफ सालों से ये काम करते आ रही है, लेकिन आज भी इतने पढ़े लिखे लोग अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए जब नींबू पहिए के नीचे रखते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारा जो संविधान है, जो संविधान में हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य लिखा है कि उन्होंने साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देना चाहिए, खुद साइंटिफिक टेम्परामेंट पर काम करना चाहिए। इन सब के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांस के विलारोश में उस फैक्ट्री में भी गए जहां राफेल के इंजन बनते हैं। जाहिर है कि आस्था और विश्वास अपनी जगह है और सेना को मजबूत बनाने की कोशिश अपनी जगह। विलारोश में अभिषेक भल्ला के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। पूजा अर्चना भारतीय परंपरा, संस्कार और सभ्यता का हिस्सा है। कोई भी शुभ कार्य पूजा पाठ से ही शुरू होता है। राफेल पर राजनाथ की शस्त्र पूजा में कुछ भी अलग नहीं है, क्योंकि सेना में हर साल दशहरे में शस्त्र पूजा होती रही है। फ्रांस में राफेल पर शस्त्र पूजा करने पर मची हाय तौबा के बीच हम आपको बताते हैं कि सेना भी कैसे हर साल दशहरे के दिन शस्त्र पूजा करती है। इस पूजा में सबसे पहले माँ दुर्गा की दोनों योगिनियाँ जया और विजया की पूजा होती है, फिर अस्त्र शस्त्रों को पूजा जाता है। इस पूजा का उद्देश्य सीमा की सुरक्षा में देवी का आशीर्वाद प्राप्त करना है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने भी रावण से युद्ध करने से पहले शस्त्र पूजा की थी। वैसे सामान्य परिस्थिति में शस्त्रों पर हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाकर शमी के पत्ते की भी पूजा की जाती है, लेकिन राफेल की पूजा ने विवादों को चिंगारी दे दी। वैसे समर्थन विरोध के बीच याद आया कि भारत में बने पहले शिप के लॉन्च के मौके पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू खुद गए थे, वहाँ बाकायदा मंत्रोच्चार और पूजा 1948 की है। आज तक ब्यूरो। राफेल की पूजा पर मचा घमासान कब जाकर कहां पर खत्म होगा, इस पर बनी रहेगी आज तक की नजर। विशेष में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के हर बड़े खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।